आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। जगत जननी माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जरूर करें दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती के पाठ से माता दुर्गा होती हैं बहुत जल्दी प्रसन्न, देती हैं भक्तों को आशीर्वाद। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। महर्षि व्यास जी के द्वारा रचित महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती की रचना की गई है। इसका उद्देश्य मानवों का कल्याण करना। दुर्गा सप्तशती को शक्ति और उपासना का श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक और 13 अध्याय है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रथम चरित्र महाकाली, मध्यम चरित्र महालक्ष्मी तथा उत्तम चरित्र महासरस्वती। दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक चरित्र में 7 देवियों का उल्लेख मिलता। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भक्तों के लिए बहुत शुभ माना गया है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में तारा, काली, छिन्नमस्ता, सुमुखी, बाला और कुब्जा का उल्लेख किया गया। द्वितीय चरित्र में लक्ष्मी, काली, ललिता, दुर्गा, गायत्री, अरुंधति और सरस्वती का उल्लेख मिलता। तृतीय और अंतिम चरित्र में माहेश्वरी, ब्राह्मी, वैष्णवी, कौमारी, वाराही, नारसिंही और चामुंडा का उल्लेख। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि जो भी जातक दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे सुख की प्राप्ति होगी। भगवत पुराण में भी ये बात वर्णित है कि मौ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ मानवों की रक्षा के लिए हुआ। इसी तरह ऋग्वेद के अनुसार मौ दुर्गा ही आद्य शक्ति हैं और उन्हीं के द्वारा पूरे संसार का संचालन होता है और उनके अलावा इस जगत में कोई अविनाशी नहीं है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का विवरण नीचे दिया गया। अब जानिए दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय और उनसे प्राप्त होने वाले फल के संबंध में। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं और हर अध्याय का अपना महत्व। नीचे इन अध्यायों के बारे में बताया गया। सबसे पहले जानते हैं प्रथम अध्याय के बारे में। मेधा ऋषि का राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ प्रसंग इसमें मिलता। अब जानिए प्रथम अध्याय के पाठ से मिलने वाले फल के बारे में। इस अध्याय का पाठ करने से चिंताएं मिट जाती है। अगर आपको मानसिक विकार हैं और इसकी वजह से जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो इस अध्याय का पाठ करने से मन सही दिशा की ओर अग्रसर होता है और खोई हुई चेतना वापस लौट आती है। अब जानिए द्वितीय अध्याय के बारे में। इसमें देवताओं के तेज से देवी मौ का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध का उल्लेख मिलता। द्वितीय अध्याय के पाठ से मिलने वाले फल को जानिए। इस अध्याय का पाठ करने से मुकदमे, झगड़े आदि में विजय प्राप्त होती है। लेकिन आपने यदि इस अध्याय का पाठ दूसरे का बुरा या बुरी नियत से किया तो इसका फल प्राप्त नहीं होता। दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर का वध कैसे हुए यह बताया गया है। तृतीय अध्याय के पाठ से मिलने वाले फल को जानते हैं। इस अध्याय का पाठ आप अपने विरोधियों या शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। यदि आपके शत्रु बिना कारण बन रहे हों और आपको अपने गुप्त शत्रुओं का पता न चल पा रहा हो तो इस अध्याय का पाठ करना आपके लिए उपयुक्त है। इसका चौथा अध्याय पूरी तरह इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी मात की स्तुति के लिए समर्पित है। चतुर्थ अध्याय के पाठ से मिलने वाले फल को जानिए। इस अध्याय का पाठ उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो भक्ति, शक्ति तथा दर्शन से जुड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस अध्याय का पाठ करना उनके लिए अच्छा है जो माता की भक्ति और साधना के द्वारा समाज का कल्याण करना चाहते हैं। इसका पंचम अध्याय देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना आदि को चित्रित करता। पंचम अध्याय के पाठ से मिलने वाले फल को जानते हैं। इस अध्याय का पाठ उन लोगों के मनोरथ भी पूरा कर सकता है जिनकी मनोकामनाएं कहीं पूरी नहीं हुई है। इस अध्याय का नियमित पाठ करना बहुत शुभ माना गया। षष्ठम अध्याय में धूम्रलोचन वध का चित्रण है। अब षष्ठम अध्याय के पाठ से मिलने वाले फल को जानिए।
इस अध्याय का पाठ डर से मुक्ति या किसी बाधा से मुक्ति के लिए करना शुभ होता। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में है या केतु पीड़ित है तो भी इस अध्याय का जाप करना शुभ होता। अगर तंत्र, जादू या भूत प्रेत से जुड़ी कोई समस्या है तो इस अध्याय का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय में चंड मुंड का वध का चित्रण मिलता। सातवें अध्याय के पाठ से मिलने वाले फल के बारे में कहा जाता है कि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस अध्याय का पाठ किया जाता। लेकिन किसी के अहित में यदि आप इस अध्याय का पाठ करते हैं तो आपको बुरे प्रभाव मिल सकते हैं। इसके अष्टम अध्याय में रक्त बीज का वध का वृतांत है एवं अष्टम अध्याय के पाठ से मिलने वाले फल के बारे में कहा जाता है कि इस अध्याय का पाठ वशीकरण या मिलाप के लिए किया जाता। वशीकरण गलत तरीके नहीं बल्कि भलाई के लिए किया जाए। कोई बिछड़ गया हो तो इस अध्याय का जाप करना असरदायक होता। इसके नवम अध्याय में विशुंभ का वध किस तरह हुआ इसका विवरण है एवं नवम अध्याय के पाठ से मिलने वाले फल में इस अध्याय का पाठ कामनाओं की पूर्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए और खोए हुए लोगों की तलाश के लिए किया जाता। इसके दशम अध्याय में शुंभ का वध है एवं दशम अध्याय के पाठ से मिलने वाले फल को जानिए। इस अध्याय का पाठ संतान प्राप्ति के लिए करना शुभ माना जाता। इसके साथ ही संतान गलत रास्ते पर न जाए इसके लिए भी इस अध्याय का पाठ करना शुभ होता। दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय में देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान प्रदान किया जाने की कथा है। एकादश अध्याय के पाठ से मिलने वाले फल के संबंध में कहा जाता है कि इस अध्याय का पाठ करना व्यापारियों के लिए शुभ होता। इस अध्याय का पाठ करने से व्यापार में सफलता और सुख संपत्ति मिलती है। यदि आपके कारोबार में हानि हो रही है तो इस अध्याय का पाठ करना शुभ। अगर पैसा नहीं रुकता तो इस अध्याय का पाठ करें। इसके द्वादश अध्याय में देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य बताया गया है। द्वादश अध्याय के पाठ से मिलने वाले फल के बारे में कहा गया है कि इस अध्याय का पाठ मान सम्मान तथा लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता। यदि आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप करता हो तो यह पाठ करें। मार्कंडेय पुराण में रचित दुर्गा सप्तशती के त्रयोदश अध्याय में सुरत और वैश्य को देवी का क्या वरदान मिला है यह बताया गया है एवं त्रयोदश अध्याय के पाठ से मिलने वाले फल के बारे में कहा जाता है कि इस अध्याय का पाठ भक्ति मार्ग पर सफलता पाने के लिए किया जाता। साधना के बाद पूर्ण भक्ति के लिए यह पाठ करें। अब जानिए कि दुर्गा सप्तशती के तांत्रिक मंत्र क्यों और कैसे शापित हुए। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती के तांत्रिक मंत्र शापित है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती को किसी कारणवश अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके इसी रौद्र रूप को हम मौ काली कहते हैं। कथा के अनुसार मौ काली के रूप में क्रोध से भरी मौ पार्वती ने पृथ्वी पर विचरण करना शुरू कर दिया और सामने आने वाले हर प्राणी का वध वो करने लगी। उनके इस रूप को देखकर सुर असुरों सहित सभी देवी देवता भी भयग्रस्त हो गए। माता के क्रोध को शांत करने के लिए सारे देवी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लग। देवी देवताओं ने शिव जी से कहा कि आप ही मौ काली को शांत कर सकते हैं। देवी देवताओं के अनुरोध पर देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव जी ने सृष्टि के रचिता ब्रह्म जी को जवाब दिया कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम भयानक हो सकता है। ऐसा करने से पृथ्वी पर दुर्गा के रूप मंत्रों से भयानक शक्ति का उदय होगा और दानव इसका प्रयोग गलत कामों को करने में कर सकते हैं। इसकी वजह से संसार में आसुरी शक्तियों का वास हो जाएगा। इसके उत्तर में ब्रह्म जी ने भोलेनाथ से कहा कि आप रौद्र रूप धारण कर देवी को शांत कर दीजिए और इस दौरान उदय होने वाले माँ दुर्गा के रूप मंत्रों को शापित कर दीजिए ताकि भविष्य में किसी के भी द्वारा इन मंत्रों का दुरुपयोग न किया जा सके। इस दौरान वहां भगवान नारद भी मौजूद थे जिन्होंने ब्रह्मजी से पूछा कि हे पितामह, अगर भगवान शिव ने उदय होने वाले मौ दुर्गा के सभी रूप मंत्रों को शापित कर दिया तो संसार में जिसको सच में देवी के रूपों की आवश्यकता होगी वे लोग तो दुर्गा के तत्काल जागृत मंत्र रूपों को पाने से वंचित रह जाएंगे। उन्हें ऐसा क्या उपाय करना पड़ेगा जिससे वो इन जागृत मंत्रों का फायदा उठा सकें? नारद जी के इस सवाल के जवाब में भगवान शिव ने दुर्गा सप्तशती को शापमुक्त करने की विधि बतलाई जो कि नीचे बताई गई है।
जो व्यक्ति इस विधि का अनुसरण नहीं करता और इसके बिना दुर्गा सप्तशती के वशीकरण, मारण और उच्चाटन जैसे मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश करता है, तो उसे दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता। दुर्गा सप्तशती शाप मुक्ति की विधि जानिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति माता दुर्गा के रूप मंत्रों को किसी अच्छे कार्य के लिए जागृत करना चाहता है, उसे सबसे पहले दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करना पड़ता है। दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करने के लिए सर्वप्रथम जिन मंत्र का 7 बार पाठ करना चाहिए, उनमें ऊह्री क्ली श्री क्रां क्री चंडिका देवे शापनाशागुग्रहे कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद जिस मंत्र का उच्चारण 21 बार करना होता है वह है ऊ श्री क्ली ह्री सप्तशती चंडिके उत्कीर्ण कुरु कुरु स्वाहा। इसके बाद जिस मंत्र का जाप 21 बार करना चाहिए वह है ऊ ह्री ह्री वम वम ए मृत संजीवनी विधे मृतमुत्थाप्योत्थापय क्री ह्री ह्री वम स्वाहा। एवं अंत में जिस मंत्र का 108 बार जप करना होता है वह है ऊ श्री श्री क्ली हूँ ऊ ए क्षोम भय मोहय उत्कीले 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 ठन ठन। जानकार विद्वानों के अनुसार ऊपर दी गई विधि को पूरा करने के बाद दुर्गा सप्तशती ग्रंथ भगवान शिव के शाप से मुक्त हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को दुर्गा पाठ की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। जब तक इस कुंजी का पाठ नहीं किया जाता तब तक दुर्गा सप्तशती के पाठ से उतना अच्छा फल प्राप्त नहीं होता जितना आप चाहते हैं। शाप मुक्त होने के बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना फलदायी साबित होता है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।